दुष्कर्म मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जिस दस्तावेज को आधार बनाकर केस दर्ज किया है वो दस्तावेज इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। सुनंदा की पोस्टमार्टम पर 29 दिसंबर 2014 को एम्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सुनंदा की मौत नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौत जहर की वजह से हुई है और जहर मुंह से या इंजेक्शन के जरिए दिया गया था। इतना ही नहीं, एम्स की फाइनल रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मौत से पहले सुनंदा पुष्कर काफी देर तक बेहोशी की हालत में रही थी। साथ ही फाइनल रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुनंदा के शरीर पर मिले एक दर्जन से ज्यादा चोट के निशान मिले। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक सुनंदा के शरीर पर मिले ये निशान किसी भारी चीज से चोट की वजह से आए होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए।